अभी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। अगला मेरा क्वेश्चन है, बड़े तीन क्वेश्चन कट्ठे ने, छोटे छोटे ने परंतु जवाब बड़े बड़े हो सकते हैं। RSS के सीनियर अहुदेदार अरुण कुमार ने कहा है कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर मार्क्सवादी इस्लामिक देश लिए वड्डा खतरा, की कहना चाहोगे? हाँ चावला साहब, कल इन्हें जरा वैसे RSS ने उसे भी बोली बोली है, कल ना NCB ने भी गल आती है कि जेडे सोशल मीडिया के उत्ते ना फंडिंग लैन वास्ते बड़े वे मुहिम चल रही है भारत में, जेडे अतवादी है जेडे खड़कू सद खर बोलते नहीं, वो अतवादी कहते हैं, तो इन्होंने सोशल मीडिया में बड़ी वीडी मुहिम चला के देश में खतरा पैदा किया हो, इस भाषा को अगे तोड़ देना। RSS के सीनियर आगू ने, अहदेदार ने अरुण कुमार, उन्होंने भी गल की है कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर वर्गे सोशल नैटवर्क जे है वह भारत लिए बहुत खतरा है, इन्हों के नाल ही जे लोग इस्लामिक है, मार्क्सवादी है, जो कामरेड कहने कामरेड अपना, यह भी देश लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि चावला साहब ये जो मार्क्सवादी कामरेडा देश लिए खतरा कहते आप, फिर यदा मतलब साडा अपना राज हूँ कामरेड हूँ कितने ने कामरेड हूँ बोलन कामरेड हूँ नहीं बोलते कामरेड हूँ बोलन RSS के सीनियर अहुदेदार अरुण कुमार देन जवाब कामरेड कम्यूनिस्ट का हूँ गूगल फेसबुक ट्विटर तो चलो इतने खुल के बोलन की आजादी है। हाँ जी मतलब फेसबुक ने वेख लो ट्रंप का अजे तक खाता नहीं खोलिया, दूजी री आन लगा, ट्विटर का भी मतलब बुरा हाल कर छड़िया सी, पावर ने गूगल फेसबुक ट्विटर, मेरे ख्याल गूगल फेसबुक तो ट्विटर भी ये एक्शन जरूर जरूर लैन गए कि एड्डा वड्डा बयान इस्लामिक देश लिए बड़ा खबर। बिल्कुल हुण मार्क्सवादी देन जी जवाब बोलन लिखण हुण पता लगूगा कि डाढ़िया ना मत्था किवें लाई जांदा, दिओ जवाब हुण। हैना अच्छा तुसीं दस चुके हो कि NIE ने कहा कि दहशत फंड जटाउण लई दहशतगर्द फंड जटाउण लई जिहड़े सोशल मीडिया की वरतों कर रहे हैं, पर नाल ही DGP का बयान भी आया कि खालिस्तानियों नूं हो रही है विदेशां तों फंडिंग। हाँ हाँ चावला साहब, ये बड़े बड़े बयान है जिहड़े ने खालिस्तानी नूं, BJP भी कहती है, NCB भी कहती है, ये सारे ही इस गल लैके तुरे भी खालिस्तानियों नूं जिहड़े कि पंजाब दे विच गैंगस्टर काम कर रहे हैं, खालिस्तान की गल कर रहे, विदेशों में फंडिंग की जा रही है। असल बयान दे के ना पंजाब दे विच मैं गल कल भी की थी कि पंजाब नूं तुसीं इस तरीके नाल बदनामी दी किरदार विच लै खड़ा कर रहे हो, जिहदे विच सियासी लोक मदद करते हैं, एजेंसियां मदद करदियां ने, साडे जिहड़े कि अपने आप नूं शोकार सोशल सिस्टम दे विच लिया के अपने सोशल वर्कर कहिंदे आ, ओह मदद करदे ने। पंजाब दे विच जिहड़ा कि बहुत अच्छा शांतिपूर्वक सूबा पंजाब हैगा, इस नूं इस तरीके नाल एजेंसियां इह कर रहियां, एजेंसियां ओह करदियां ने जी, कर करके इस तरीके नाल पंजाब नूं बदनाम किया जा रहा है। हुण BJP वाले हो गए, NCB वाले हो गए, अके जी फंडिंग हो रही है, भारत दे बाहर दे लोक फंडिंग कर रहे हैं, तां फिर कित्थे आ उहनूं लिया के आओ ना, कित्थे फंडिंग हो रही है, क्यों नहीं फड़दे फंडिंग देण वालिआं नूं, क्यों नहीं फड़दे तुसीं फंडिंग लैण वालिआं नूं, कित्थों फंडिंग हो रही है उहदी, किवें भारत पैसा आ रहा, तुहाडीआं एड्डीआं एजेंसियां, तुहाडे इन्ने ज्यादा वड्डे नैटवर्क हैगे आ, मैं कहिंदा वी बहुत वड्डी गल तुसीं करदे हो, वधिया गल आ, पर जेकर तुसीं वो पैसे देने वाले की गल तो बाहर बैठा, जो पैसे लै रहा वो किसी नैटवर्क लै रहा कोई कारण आ, वो फड़ते क्यों नहीं, पैसा किवें आ गया भारत में, फड़ना पड़ना ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगला क्वेश्चन अंजू जी दे कोल है जी, अकी एक खबर बड़ी सुर्खियां बटोर रही है कि बब्बू मान नु धमकी मिली है, की चर्चा है? फेवरेट सिंगर है साडे अंजू जी दे, इत्थे साडे स्टूडियो च बड़ी बारी आए, बहुत मिठ बोलड़ा नेता, हां जी हां जी, दिल तो प्यारा प्यारा मुंडा, बहुत प्यारा मुंडा, बहुत अच्छे लिखता, बड़ा अच्छा सोहना लिखता, ते अच्छा डायरेक्टर, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक बहुत अच्छा काम करता, असल च ओहदा पंगा पवा दोवां दे फैनां ने, सिद्धू मूसेवाले दे फैन ते बब्बू दे फैनां ने आपस पंगा पवाता जी, दोवें जणे आपस च, ओह कहिंदा इह वड्डा जो, कहिंदा इह वड्डा, रौला पै गया, उहनां विच्चों इक चला गया सिद्धू मूसेवाला चला गया, ते रहि गया बब्बू मान, अच्छा कलाकार है, ते उस नूं कल किसी बंदे ने फोन किया वट्सएप कॉल दे उपर, ते पहला तां कॉल चक्की ने बब्बू मान ने, दो तीन कॉलां करन तों बाद चक ली, कहिंदा मैं गोल्ड दी बरात दा बंदा बोलना, ते काफी गल्लां बातां करन तों बाद मैनूं कहिंदा कि तैनूं असीं मारन जा रहे हां, चलो उहने फोन कट्टता, SSP नूं देती, उहने भावें कि SSP नूं दित्ती रिपोर्ट, ते बाद फिर उहने उहदी सुरक्षा वधा दित्ती आ, पर इह जिहड़ा एड्डे कलाकारां नूं इहनां नूं धमकियां आ रहियां ने, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਲਓ
प्रमोटर बेचारे कहते होंगे असी मतलब 9:15 ते लैके आवांगे ते बब्बू 8:30 साढ़े ग्रह विखे आके ते बैठा हुंदा क्यों अंजू जी इन्ना प्यारा लिखदा पर उहदे विच जिहड़ियां त्रुटियां सी असी नाल दी नाल ही दसी जांदे सीगे पहली कैसेट दी अजे भी उह कैसेटां मेरे को उदां ही प्ले जिहड़ियां पैक पईआं ने जिहड़ी पहली कैसेट आई सी इन्ने सारियां लैके आए सी वंड दिओ भाजी ते जिन्हां जिन्हां नूं साडे स्टूडियो आउंदे हुंदे ते मुड़ के सीडी आ गई जां फिर वंडियां भी बथेरियां ते कई बार आए ने स्टूडियो दे विच मैं तो बब्बू नूं ये नसीहत दऊंगा अपना सुझाव भी दऊंगा कि अपना ख्याल रखना पई ते जिहड़े धमकियां देण वाले ने कि उन्हां नूं भी मतलब एक बेनती रिक्वेस्ट ये भी है कि पहला तय करो कि वाकया ही उहदे विच कोई उहदा कसूर है या नहीं है या धमकियां देण वाले दी पुलिस नूं भी जिहड़ी है चंगी जांच करनी चाहीदी है और मेरे ख्याल दे विच मैनूं पक्का यकीन है कि बब्बू कोल कनेडा की पी आर हो सकती है क्योंकि कई बार वो साढ़े इतने कनेडा दे विच शोशाल आ चुके हैं तो उन्हों का परिवार भी इतने रहिंदा है। आखिरी क्वेश्चन है मेरा साढ़े जहेदार साहब का क्विकली वाइंड अप करांगे बयान आया कि कोई भी अपने शरीर से सिख निशान दे टैटू ना बनावे की कहना चाहिए टैटू ना बनावे खंडा ना बनावे कोई इको ओंकार बना दिंदा वो ना बनावे असल च पहला जो एक चली सी चर्चा एक बीबी ने एक बेदी बेदी हां उसने करता सी काम और बीबियां बोलियां ने और बोलियां ने बीबियां जानबूझ के बनाउंदियां ने कोई अजकल तां मैं तुहानूं दस्सिया कि बीबियां की आ चलो मेरा उस बीबी नाल कोई लैण देण नहीं उहदे नाल तलुकात नहीं मैं करके कह रहा अजकल तां इन्ना गंदा सोशल नैटवर्क मीडिया के खोते दी चुमियां लैके भी इह बीबियां नंगियां होके प्रमोट करके तां अपने जिहड़े ने उह टी आर पी वधाउण तक जांदियां ने मुजरा करन वालियां नालों किते गां लंघ गए नहीं जी मुजरा करन वालियां तां फिर भी सत्कार योग सी कंजरी वाला सुनाया है ना उदन असीं आर्टिकल ਜਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਜਰਪੁਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹ ਨੰਗਿਆ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਖੰਡੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਝੂਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਟੈਟੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਰ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੁਜੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੇਖਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੁੰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਘਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਖੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਪਰ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ
जिथे नथ पौनी चाहिदी आ उथे साडे मतलब जहेदार साहब थोड़ा जिहा साडी मूर्ति पूजा करन दा साडे संदर्भ नहीं हैगा नगर कीर्तन जलूस ही लफज जलूस कढ़न दा दूजे पासे भी लै लो वीडियो दिखावांगे तुहानू चलो मक्का लगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सत सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।